राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। कभी तरीका बताया था कि 2.5 इंच की हो तो चोली आप इसके नीचे घेरा बना सकते हैं, तो ये हमने 3 इंच का बनाया क्योंकि ये वीव वाली ड्रेस के नीचे पहनाने वाले हैं। और अगर आप इसको कार्डिगन के तौर पर पहनाना चाहते हैं तो ड्रेस के ऊपर भी इसको बनाकर पहना सकते हैं। तो ये हमने मोती चिपका दिए हैं और इसके बाद हम नीचे प्रेस बटन लगाएंगे जिससे कि थोड़ा कार्डिगन लुक दे। तो इसको हमने 3 इंच का लंबा बनाया था, तो हमारा जो पजामा है 3 इंच का नीचे का जो बनेगा कान्हा जी का, वो भी 3 इंच का ही बनेगा। उसे हम 2 शेड से बनाएंगे, तो हमने थोड़ा सा पहले से बना के रख रखा है। तो ये देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो ये हमने 2 रंग का इस तरीके से बना के रखा हुआ है। इसमें हमने 36 फंदे डाले हैं 36, और 2 सिलाइयाँ हमने बनाई है। तो 2 सिलाइयाँ ग्रीन की, 2 ये हमारा कुछ डार्क ब्लू सा है। तो ये 1 2 3 4 5 लाइनें हमने ग्रीन की बनाई है और 1 2 3 4 लाइनें हमने ब्लू कलर की बनाई है। 36 फंदे हैं और 11 नंबर की सिलाई से ही हमने बनाया, जिस सिलाई से हमने ये ऊपर का बनाया, पर इस तो वैसे हम लोअर बनाएंगे। तो ये हमने 1.5 इंच बना के तैयार करना है। ये देखिए, तो ये 1.5 इंच हमने बना के तैयार किया हुआ है, और इसको हम 3 इंच का पजामा कान्हा जी के लिए ठीक रहता है, 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो ये आराम से 6 और 7 को आ जाता है क्योंकि ऊन तो खुलती है और ये इस तरीके से भी देखिए खींचता है। तो ये हमने 1.5 इंच बना के तैयार किया है, और नीचे हम 2 इंच बनाएंगे। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब हम इसको ड्रेस को इस तरीके से पहनाएंगे तो थोड़ा सा 1/2 इंच फालतू रखें जिससे कि हमारा कोई दिक्कत नहीं हो। 1/2 इंच पजामे को आप इस तरीके से फोल्ड करके भी नीचे से पहना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारा 1 इंच का विब बनेगा, तो हमने इस तरीके से इसको मैचिंग करके बना रहे हैं। तो 2 2 सिलाइयाँ हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना रहे हैं। देखिए, यहाँ से भी हमारी उल्टी ही सिलाई बनेगी। तो ये देखिए, हम 2 लाइनें और बना लेते हैं ब्लू कलर की। तो हम इस तरीके से सिंपल सा 36 फंदे डाले हमने और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम बना रहे हैं। ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ होती है ये थोड़ी खुलती है, तो इसमें फिटिंग सही आ जाती है। इसमें आपका अगर फंदे कम भी हैं तब भी फिटिंग जो है अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बना रहे हैं, और जब फंदे डालते हैं तो ऊपर से थोड़ा टाइट होता है, बाद में देखिए कितना खुलता है। आराम से ये 7 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगा। तो देखिए, हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। तो दोनों तरफ से ही हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, एक सिलाई हमारी पूरी होगी। और धागा हमेशा हम जो कलर चेंज करते हैं उल्टी साइड से करते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। ये देखिए, अब हम इधर आ गए हैं, तो ये हमारी सीधी साइड है, उल्टी साइड से हमने धागा चेंज किया था। अब यहाँ से भी हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। तो ऐसे हमने इतने 1.5 इंच बनाकर तैयार किया है, और 36 फंदे हैं। इनको अब हम आधा आधा कर लेंगे, दोनों टांगों के लिए अलग अलग कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका होता है ये, पहले भी मैं बनाई हूँ, आप अगर ने अगर देखा होगा तो। तो ये देखिए, हमने इतना बना लिया है, तो थोड़ा सा ही हमारा, ये देखिए यहाँ से 4 सेंटी है, ऐसे हम नापेंगे, सेंटीमीटर है, तो 1.5 इंच के करीब हमारा ये बन गया। अब 18 फंदे इधर रखेंगे, 18 इधर, क्योंकि 36 फंदे हैं। अगर ये आप 10 नंबर की सिलाई से बनाते हैं मोटी उनसे, तो थोड़ा सा आप फंदे कम कर सकते हैं, 34 फंदे कर सकते हैं, तो किसी का हाथ लूज होता है। देखिए, काफ़ी खींचता है ये, अगर आप सीधा उल्टा बनाते हैं तो ये कम हो जाएगा आपको। सीधा उल्टे में इस तरीके से आपकी जो है चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इससे सुंदर आता है। अब हम 18 फंदे बना लेंगे, धागा साथ के साथ 2 2 सिलाइयाँ बनानी है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम ग्रीन लगा लेंगे, तो ये देखिए हमने इस तरीके से ग्रीन लगा लिया, और गिनकर 18 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये देखिए, 18 फंदे इधर है, 18 इधर है, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले एक तरफ का हिस्सा बनाना है, फिर दूसरी तरफ का हिस्सा बनाना है। तो ये देखिए, हमने इतना बना लिया है, तो थोड़ा सा ही हमारा, ये देखिए यहाँ से
चार सेंटी है, ऐसे हम नापेंगे सेंटीमीटर है तो 1.5 इंच के करीब हमारा ये बन गया। अब 18 फंदे इधर रखेंगे, 18 इधर, क्योंकि 36 फंदे हैं। अगर ये आप 10 नंबर की सिलाई से बनाते हैं मोटी ऊन से तो थोड़ा सा आप फंदे कम कर सकते हैं, 34 फंदे कर सकते हैं, तो किसी का हाथ लूज होता है। देखिए काफ़ी खींचता है ये, अगर आप सीधा उल्टा बनाते हैं तो ये कम हो जाएगा आपको, सीधा उल्टे में इस तरीके से आपकी जो है चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इससे सुंदर आता है। अब हम 18 फंदे बना लेंगे, धागा साथ के साथ दो दो सिलाइयाँ बनानी है तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम ग्रीन लगा लेंगे, तो ये देखिए हमने इस तरीके से ग्रीन लगा लिया और गिनकर 18 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये देखिए 18 फंदे इधर है, 18 इधर है, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले एक तरफ का हिस्सा बनाना है फिर दूसरी तरफ का हिस्सा बनाना है। तो दो दो सिलाइयां हमने बनानी है, तो यहाँ से पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अगर आपको लूज लूज पजामा बनाना है तो आपको कहीं फंदे घटाने की जरूरत नहीं, अगर आपको फिटिंग में बनाना है तो आपको थोड़े फंदे घटाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे 18 फंदे हैं तो हम एक बार हटाए, मतलब कि नीचे हम 14 फंदों से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो हम चार फंदे ही इसमें घटाएंगे, यानी कि दो बार फंदे घटाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज में ज़्यादा सुंदर लगता है। चाहे तो आप इसे पजामे की तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहीं से वापस हो गए और ये 18 फंदे हमने इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम कलर चेंज कर देंगे तो ये एक लाइन बन गई है। तो हम 1 इंच, जैसे 2 इंच का हमें पजामा बनाना है तो हम 1 इंच बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे, उसके बाद फिर 1 इंच बनाएंगे, तो बॉर्डर में लास्ट में हम थोड़ा सा बंद करेंगे। तो पहले हम 1 इंच बना लेते हैं, 1 इंच में यानी कि हम ये ग्रीन लाइन बन गई हमारी, 1, 2, 3 तीन ग्रीन लाइन और 3 ब्लू लाइन यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो दो दो सिलाइयाँ हमने बनानी है, तो यहाँ से पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अगर आपको लूज लूज पजामा बनाना है तो आपको कहीं फंदे घटाने की जरूरत नहीं, अगर आपको फिटिंग में बनाना है तो आपको थोड़े फंदे घटाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे 18 फंदे हैं तो हम एक बार हटाए, मतलब कि नीचे हम 14 फंदों से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो हम चार फंदे ही इसमें घटाएंगे, यानी कि दो बार फंदे घटाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज में ज़्यादा सुंदर लगता है। चाहे तो आप इसे पजामे की तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहीं से वापस हो गए और ये 18 फंदे हमने इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम कलर चेंज कर देंगे तो ये एक लाइन बन गई है। तो हम 1 इंच, जैसे 2 इंच का हमें पजामा बनाना है तो हम 1 इंच बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे, उसके बाद फिर 1 इंच बनाएंगे, तो बॉर्डर में लास्ट में हम थोड़ा सा बंद करेंगे। तो पहले हम 1 इंच बना लेते हैं, 1 इंच में यानी कि हम ये ग्रीन लाइन बन गई हमारी, 1, 2, 3 तीन ग्रीन लाइन और 3 ब्लू लाइन यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए हमने ग्रीन की दो लाइनें, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, यानी कि टोटल हमने इतना बना लिया है। अब यहाँ पर हम जैसे चेंज करेंगे धागा तो दो दो फंदे दोनों तरफ से घटा लेंगे, तो हमारे 18 से 16 फंदे रह जाएंगे। तो अब ग्रीन कलर से ये देखिए दो फंदे एक साथ लिए, तो ये आप ज़्यादा मतलब कि खुला नहीं रखना चाहते तो आप 3 बार भी फंदे घटा सकते हैं। मैं 2 बार ही, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुला बनाना चाह रही हूँ। इस तरीके से हमने एक घटा दी यहाँ पर और लास्ट में एक फंदा घटा देंगे, और फिर से ऐसे ही हम चार लाइनें, दो ग्रीन की एक बनाई रहे हम, और उसके बाद हम एक एक फंदा और घटाएंगे, तो 14 फंदे हम रखेंगे नीचे। ये देखिए इस तरीके से लास्ट में हम 2 का 1 कर देंगे। और ऐसे ही हम फिर से चार लाइनें बनाकर आते हैं। तो ये देखिए हमने फिर से चार बना लिया। यहां से देखिए पहले 1, 2, 3, 4 बनाई हमने लाइनें, यानी कि 2 ग्रीन और 2। अब फिर से हमने 2 ग्रीन और 2 ब्लू बना लिए। अब यहां से फिर से एक एक फंदा हम घटाएंगे तो 14 फंदे हमारे रह जाएंगे, और ये हमारा कुछ 3 इंच के करीब हो भी गया है। तो दो सिलाई हम इस तरीके से ग्रीन की बना लेते हैं,
तो यहाँ पर एक फंदा घटाकर फिर उल्टी बनाकर फिर से यहाँ पर आते हैं। ये देखिए मैं आपको एक इसी सिलाई में पहले उतार के दिखा देती हूँ कि कितनी लेंथ हमारी बनी है। तो ये हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर एक फंदा पहले घटा लेते हैं तो 14 फंदे रह जाएंगे हमारे, ये देखिए, क्योंकि दोनों सिलाई तो लेंथ ऐसे दिखाई देगी। तो इसको नापते हैं, ये देखिए 3 इंच हमारा बन गया है। अब हमें सिर्फ आधा इंच बनाना है, तो चाहे तो आप सेम कलर का ऐसे ही बनाते चले जाइए, इसी को फोल्ड कर लीजिए, या फिर आप जो है एक रंग का भी नीचे से बॉर्डर बना सकते हैं। तो हम सेम ही कलर का बना लेते हैं, तो 4 सिलाइयाँ और बना लेंगे हम, 4 सिलाई यानी कि 2 लाइनें हम बना लेते हैं, तो आधा इंच हो ही जाता है। तो हम पूरी 3.5 इंच की लंबी लेंथ करके तैयार करके इसको फिर बंद करेंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने एक ग्रीन की बनाई, 2 ब्लू की। अब हम ग्रीन से इसको जो है एक बार उल्टी उल्टी बना लेते हैं और फिर सीधी तरफ से हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर चाहे तो आप फंदे और अगर आपको ये कम करना है तो घटा सकते हैं, जैसे अभी हमारे 14 फंदे हैं, तो इसको आप कम करना चाहते हैं तो एक एक फंदा करके आप घटा सकते हैं, लेकिन मैं इसे खुला ही बना रही हूँ, इसलिए 14 के 14 फंदे में उतार कर एक सिलाई उल्टी और सीधी तरफ से मैं बंद करूँगी। ये देखिए अब हम सीधी साइड आ गए, यहाँ से हम इसी तरीके से जैसे हमने चोली की बाजू में किया था, 2 का 1 सिलाई में वापस, फिर 2 का 1, इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे और ऐसे हम दूसरी साइड का भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए लास्ट के फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे, इतना धागा हमने काट लिया कि सिलाई हो जाए हमारी, ये देखिए। और ये तो इंच टेप से अगर हम नापते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये देखिए 1.5 इंच के करीब बॉटम है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसको हम ऐसे सिलेंगे, तो इसकी फुल लेंथ हम देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने अच्छा ये देखिए 3.5 का हमारा पजामा है, 3 इंच सही आता है कान्हा जी को, लेकिन हमें इसे ऊपर से इस तरीके से पहनाना है, तो नीचे से लंबा हो जाएगा तो कोई नहीं, आप इस तरीके से अगर आपको लंबा नहीं चाहिए तो ऐसे फोल्ड कर भी पहना सकते हैं। तो ऐसे हम दूसरी साइड का भी बना लेते हैं, जैसे सेम हमने जहाँ जहाँ फंदे घटाए थे, यानी कि 4 लाइनों के बाद 1 और फिर 1 और फिर इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। अगर आपको पजामा ही बनाना है तो बस आप इस तरीके से सिलाई कर और डोरी डालकर ये कार्डिगन के साथ में ऐसे बनाकर पहना सकते हैं, लेकिन हमें वीप बनाना है तो यहाँ से फंदे उठाकर हम ऊपर से वीप बनाएंगे, लेकिन फंदे उठाने के कहीं को दिक्कत होती है, तो जैसे कि मेरी वीडियो में रहता है हम आसान तरीके से बनाते हैं, तो हम अलग से वीप बनाकर फिर यहाँ से सिलाई करेंगे। तो हम ग्रीन कलर का बनाएंगे सिर्फ, तो हम इतना देख लेंगे कितना हमें चाहिए इस तरीके से। तो हम 10 फंदों का बहुत रहता है कान्हा जी के लिए, तो 10 फंदों का 1 इंच 1.25 इंच के करीब हम बना के तैयार करते हैं, फिर इसको यहाँ से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने 12 फंदे डाल दिए 10 की बजाय, क्योंकि हम थोड़ा से प्लेन बनाएंगे तो साइड में बॉर्डर ऊपर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, फिनिशिंग अच्छी आए, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे और लास्ट में 3 फंदे उल्टे, तो ये साइड में बॉर्डर जाएगा उल्टे उल्टे फंदों का और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। हम फंदे उठा के भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं को दिक्कत हो एक आगे पीछे हो जाए फंदा, तो इसे हम बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। तो ये उल्टी सिलाई इस तरीके से पूरी उल्टी। फिर से हम सीधी साइड आ गए, फिर से 3 फंदे पहला बिना बुना और 3 फंदे उल्टे, इसको गिनेंगे जो बिना बुना है हमारा, 2 और ये 3, बीच के 6 फंदे सीधे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। इस तरीके से हमें 1 इंच तैयार कर लेते हैं, ये देखिए सीधे फंदे, बीच के 6 फंदे और ये लास्ट के उल्टे, तो 1 इंच बना के तैयार कर लेते पहले हम ऐसे। तो
ये देखिए हमने यहाँ पर तीन तीन जो उल्टे उल्टे फंदे लिए, तो इस तरीके से बॉर्डर आ गया साइड में। अब ये हमारा 1 इंच बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे और साथ में एक एक यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। ये जैसे हमने यहाँ पर पहले एक सिलाई हम पहले इसी तरीके से पूरी उल्टी बना देंगे, ऊपर से बंद करेंगे हम। तो ये अलग से बनाने में थोड़ा सा इजी रहता है, आप जो बिगनर है साथ खासकर वो आसानी से बनाकर इसे सिलाई कर सकते हैं, तो कहीं को फंदे आगे पीछे उठाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये अलग से बना रही हूँ। तो ये देखिए उल्टी सिलाई आ गई। यहाँ पर हम इस सिलाई को भी पूरा उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए हमने दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली। अब यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लिया, ये हम इस तरीके से इसको भी बना लेते हैं। दो बना ली हमने। अब यहाँ पर ऐसे घुमाया, ऐसे ये देखिए आगे, तो इसको ऐसे घुमाया और दो फंदे एक साथ ले लेंगे, क्योंकि एक बढ़ जाएगा एक घट जाएगा तो बराबर रहेंगे। ये देखिए इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बना लेंगे। तो ये हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। ये देखिए चार फंदे रह गए जब हमारे, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर फिर से ऐसे घुमाया जब तीन फंदे रह गए और ये दो उल्टे एक साथ ले लेंगे, तो एक बटन होल हमारा यहाँ पर बन गया। दो लाइनें बन गई हमारी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे और सीधी पर बंद कर देंगे। तो देखिए हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जाली वाला फंदा है वो थोड़ा सा आपको अलग से लूज दिखाई देगा, ये देखिए। तो इसको भी हम, क्योंकि हमने दो इकट्ठे लिए थे तो एक घट गया एक बढ़ गया, तो हमारे 12 के 12 फंदे हैं। अब ये सीधी तरफ से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे इस तरीके से, दो का एक करके। तो ये देखिए दो बटन होल बन गए और ये हमारा योग इस तरीके से बन गया है, जिसको हम यहाँ से सीधी तरफ से इसे ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पर आप कोई फ्लावर या कोई कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई फेस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सेंटर में ऐसे आपको पकड़ना है, सेंटर लेना है और इसका भी सेंटर लेके इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे सीधा है तो सीधी साइड रख के ऊपर से सिलाई कर देंगे। और पीछे की बेल्ट भी बनानी है अभी हमने, तो हम इसको सिल लेते हैं पहले, उसके बाद हम पीछे की बेल्ट बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इसका जो धागा था उसी को हमने ऐसे पिरो लिया है। अब हम इस तरीके से सेंटर ले लेते हैं बिल्कुल, ये देखिए ये जो हमने योग बनाया था, सॉरी ये आसन बनाया था ठीक इसके ऊपर, ये हमारा सेंटर है। और इसका भी हम इसी तरीके से सेंटर ले लेंगे, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ से सेंटर सेंटर मिला के उल्टी साइड से, ये देखिए ये भी उल्टी साइड है, सीधी सीधी साइड अंदर की तरफ, और ऐसे पकड़ लेना। और यहाँ से ये देखिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, तो आप चाहे तो निशान लगा लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। ये हम ये देखिए इस तरीके से एक बार पीछे और एक बार आगे ऐसे कच्चा कर रहे हैं पास पास में, ऐसे भी कर सकते हो आप, और जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ये सिल सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से आपका हो जाएगा, तो इसको सिल लेते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे सिल दिया है, ये योग हमारा कितने अच्छे से सिल गया। अब तो ये इजी ये तरीका है। अब हम इसको पजामे को भी सिल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर धागा छोड़ा हुआ, इसे हम ऐसे सिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये हमारे पास यहाँ पर भी धागा है, तो इसको हम यहाँ से इसी को लेके इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से आसन तक। तो आप लाइन गिन लीजिए, जैसे अभी हमारा यहाँ पर ग्रीन, ये ब्लू कलर की लाइन जो हमारी, ऐसे देखिए यहाँ से आसन वाली है, तो ये यहाँ तक हमने सिलना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइनें आपस में मिलाकर यहाँ से सिल लेते हैं, फिर बाद में हम नीचे से सिलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से लाइनें मिला लेनी आपको, देख लेना कि लाइनें आपस में मिल रही हैं, और फिर सिलना शुरू करना है। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिल दिया है आसन। अब यहाँ से ये जो धागा हमने छोड़ा हुआ था, यहाँ से ऐसे सिलेंगे और फिर ऐसे सिलेंगे,
ये देखिए यहाँ पर धागा है, इसे यूज़ कर लेंगे, यहाँ से सिल देंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो हम यहाँ नीचे से सिलते हुए ऐसे आना, ये देखिए पहले ये देखिए यहाँ पर धागा, तो यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे पे ऐसे ले लेंगे, पक्का कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए छोटी सी, ज़्यादा मोरी हम नहीं बनाई हमने, लग रहा था ये देखिए इतनी सी है। तो ये आपके ऊपर आपको कितना टाइट बनाना है, क्योंकि ये इस तरीके से खुलता है अच्छे से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे स्वेटर सिलते हैं ऐसे हम पास पास में इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमारा इस तरीके से सिल गया, अब हम सीधा कर लेंगे इसको। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया इसको अंदर डालकर, ये देखिए ऐसे हम चेक कर लेंगे एक बार कि हमें इतना रखना है, यहाँ तक नेक तक ऐसे योग रखना है। तो हमें स्टेप यहाँ से बनानी है। तो हमने एक ये लंबी पट्टी, पांच पांच फंदों की एक लंबी पट्टी बना ली है। तो इसको हमने खींच के देखना है, क्योंकि ये स्टेप जो है खींच कर आते हैं, तो इसको हम खींच कर देख लेते हैं। देखिए कितनी लंबी हमारी बनी है, ये देखिए 6.5 इंच से भी ज़्यादा जा रहा है हमारा खींच के, यानी कि 7 इंच के करीब हमारी ये खींच कर बनी है। तो हम ऐसे नाप लेंगे, यहाँ से स्टेप लगेंगे, देखिए 2 इंच यहाँ है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर बटन पट्टी के ऊपर बटन आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा बैक में। तो ये देखिए 3.5 इंच के करीब हमारा ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये स्टेप हमारे खींच कर तभी फिटिंग आती है, इस तरीके से आएंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक ही स्टेप बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि इसको हम ऐसे बराबर करके, ये देखिए इसको इस तरीके से वी कर देंगे, और इस वी को हम यहाँ पर ऐसे सिलेंगे, और ये घूमकर आगे की तरफ खींचकर इस तरीके से आएगा और बटन लगेंगे। तो हमने बहुत ये खींचने वाला स्टेप है, इसलिए अगर आप सीधा उल्टा बनते तो वो ज़्यादा नहीं खींचेगा, ये ज़्यादा खींचता है। इस तरीके से हमने बस एक ही स्टेप बनाया जिसको हम यहाँ पर ऐसे सिल देंगे। देखिए बिल्कुल आप इस तरीके से वी बनाइए और ऐसे बस यहाँ पर सिलाई कर दीजिए, एक ऐसे चला जाएगा और एक ऐसे, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए अभी हम इसको निकाल देते हैं और इसको बराबर रख के सिलाइयाँ भी गिन सकते हैं आप इस तरीके से, बिल्कुल यहाँ सेंटर पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। तो यहाँ से हम ऐसे इसको सिल देते हैं, तो ये हमने बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे अभी ऐसे सिला है, ये देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, ये देखिए ये ऐसे सिल दिया। अब इस स्टेप को हम ये देखिए धागे को ऐसे करते हैं और ये ऐसे ऊपर कर देते हैं ऐसे जोड़ने के बाद, और इसको थोड़ा सा यहाँ से एक टांका और लगा देते हैं जिससे कि ऐसे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो हमें अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे सिल दिया, यहाँ से पक्का कर देंगे। और ये देखिए जो हमारे ये धागे हैं क्रोशिया की हेल्प से, ये देखिए जो उल्टे उल्टे फंदे हम बिना बुने लेते हैं, इस तरीके से आपको क्रोशिया डालना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से ऐसे चला जाता है, अब इस धागे को खींच कर यहाँ से निकाल देना है और फिर कट कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर हमें एक एक बटन लगा लेना है। अगर आपको स्टेप बड़े लगते तो आप ऊपर नीचे अपने कान्हा जी का नाप के भी कर सकते हो। तो हमने इस तरीके से एक एक बटन लगा लेंगे, जो इस तरीके से आपका स्टेप बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ आप कुछ फूल वूल वगैरह बना सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने छोटे छोटे बटन लगा दिए हैं, तो ये 5 और 6 नंबर 7 नंबर जैसे जैसे साइज बड़े होंगे तो इसमें आसानी से बटन लग जाते हैं। यानी 5 फंदों की हमारी पट्टी है, तो बहुत ही अच्छे से हमारे बटन लग गए हैं। अगर इससे छोटा आप बनाते हैं तो कोई मोती लगा सकते हैं, प्रेस बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारा भी बन गया, देखिए इस तरीके से पीछे से फिटिंग आई है और हम इसे इस तरीके से पहनाएंगे। तो क्यों ना इसी रंग की हम मैचिंग कैप भी बना लें। तो सिंपल सी मैं बनाई हूँ, ये देखिए हमने इस तरीके से 25 फंदे डाले हैं। तो क्योंकि नीचे से जब हम फंदे डालते हैं तो थोड़ा टाइट होता है, तो थोड़ा सा आपको लूज फंदे डालने जिससे ये खिंचाए। और ये हमने 1 2 3 4 5 लाइनें इसकी, और 1 2 3 4 5 लाइनें हमने ब्लू कलर की बना ली है। तो ये हमारे 26 फंदे हैं, हमने सिंपल सा बनाया, ये हमारे आराम से 6 और 7 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी। और यहाँ से हमने ब्लू कलर का धागा कट कर दिया है, तो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई है। अब हम दो का एक कर देंगे क्योंकि हम इसे बंद कर रहे हैं। तो हमेशा सिंपल सी एक कैप ही हमेशा बनाती हूँ मैं, जल्दी बन जाती है। इस तरीके से 2 का 1 करके हम सारे फंदे बंद कर देंगे, सॉरी पहले हम आधे कर देंगे फिर इनको बंद करेंगे।
तो देखिए हमने आधे फंदे कर दिए दो का एक करके। अभी सुई में हमने धागा थोड़ा सा धागा छोड़कर इस तरीके से जैसे हमेशा पहले भी हमने कई बार कैप बनाई है, और ऐसे हम सारे फंदे निकाल कर इसको सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम सुई में ले लेंगे। सबसे इजी कैप और देखने में सबसे सुंदर लगती है और आसानी से बन भी जाती है। आप किसी भी साइज की ये कैप बना सकते हैं, लेकिन फंदे डालते टाइम आपको थोड़ा सा हाथ लूज रखना है। ज्यादा टाइट डालेंगे तो नीचे से जो है डालने में दिक्कत होगी और ऊपर से खुली हो जाएगी। ये देखिए हमने सारे फंदे सुई में ले लिए और ये देखिए ऐसे हमने इसको खींच देना है। तो सारे फंदे इकट्ठे हो गए देखिए इस तरीके से। और यहां से हम थोड़ा सा पक्का करके या फिर एक बार और सारे फंदों को सुई में ऐसे लेके ये देखिए डबल कर लेंगे जिससे कि और अच्छे से ये पक्का हो जाए। ये देखिए तो ये धागा हमारा ये देखिए सारे फंदे बंद हो गए। और उल्टी साइड से अब हम इसको यहाँ से सिलाई कर देंगे और यहाँ पर सीधी साइड से पंपम वगैरह लगा लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई कर देते हैं इस तरीके से अच्छे से पक्का करके एक बार और अच्छे से ऐसे कर देते हैं। ठंड बहुत हो रही है तो कान्हा जी की प्रॉपर ड्रेस बनानी जरूरी है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो देखिए कुछ हमारी ड्रेस इस तरीके से बनके तैयार हुई है। इसको आप कार्डिगन के रूप में पहना सकते हैं जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, और इसको आप इस तरीके से विप के अंदर भी और किसी हैवी ड्रेस के ऊपर भी आप पहना सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसको पहनाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी। बड़े जो ड्रेस होती है कान्हा जी की 6 नंबर से ऊपर ऊपर 5 से भी मतलब कि वो तो उन पे आप प्रॉपर अच्छे से बना सकते हो। छोटे कान्हा जी की भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर भी मैंने बिब वाली ड्रेस छोटे कान्हा जी की भी 0 साइज की भी हमने बनाई हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से आप पहनाएंगे और ऊपर से पहनाएंगे कैप। तो देखिये कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। तो ये हमारी 6 से 7 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा पजामी को भी लेंथ बढ़ाया और बाजू भी हमारी थोड़ी सी बड़ी है। या पूरी पूरी जैसे लड्डू पकड़ा होता है वहां तक पूरी आएगी। तो थोड़ा सा अगर आपको ऊंचा बनाना है तो ये 7 और 6 नंबर आराम से ड्रेस आ जाएगी। और ये जैसे कि मैंने बताया फंदे आप लूज डालेंगे तो यहाँ से डालने में थोड़ा सा इजी रहेगा, नहीं तो यहाँ से टाइट होएगा और ऊपर से खुला रहेगा। तो सिंपल कैप बनाई है जिसे कान्हा जी बहुत ही प्यारे देखे ग्रीन कलर, और ये कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। तो कुछ डिफरेंट जो है ड्रेस लग रही है। और दूसरा ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, आप ही में से किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, काफी लोगों ने पहले भी करी थी। 6 नंबर में नीटिंग का बीब वाला ड्रेस मैंने नहीं बनाया था, 3 नंबर का शायद बनाया हुआ है, क्रोशिया में भी बनाया हुआ है। तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो सॉरी, कोशिश पूरी की है कि थोड़ा सा इजी तरीका दे सकूं, लेकिन इसमें हमने चोली जो है जाली वाली बनाई है क्योंकि हमने पहले नहीं बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और राधे राधे जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।